भोपाल में इन दिनों कांग्रेस सेवा दल का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है और इसी प्रशिक्षण शिविर में सावरकर को लेकर जो ये बुकलेट बांटी जा रही है इसको लेकर के बीजेपी ने अब सवाल खड़े किए हैं। लेकिन तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, जो इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं और साथ ही में अभी भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी इस किताब में लिखा है वो उस बात पर कायम है। लालजी देसाई, आप आज तक हैं और ये तमाम जो किताबों में तथ्य हैं, क्या आप उस पर अभी भी कायम हैं? क्योंकि इस पर अब काफ़ी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, बीजेपी की तरफ से बहुत कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी भारत के आज़ादी के आंदोलन में बीजेपी की जो मात्र संस्था आरएसएस और हिंदू महासभा का ना ही कोई लेना देना था, इसीलिए वो किसी भी प्रकार से एक चाहते हैं कि उनका कोई एक ऐसा हीरो टाइप का बंदा खड़ा कर दिया जाए और कहें कि आज़ादी के आंदोलन में लड़े थे। अब गलती से उन्होंने सावरकर को खड़ा कर दिए हैं। सावरकर वही हैं, उनके बारे में अब एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन जो निकल के आ रही है कि अंग्रेजों से 11 बार माफ़ी मांगी है, 9 बार लिखित में माफ़ी मांगी है। मुझे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह को जब कहा गया कि माफ़ी मांगो तो हम आपकी सज़ा कम कर सकते हैं, भगत सिंह ने ना बोल दिया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। उसी समय पर चाहे महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, हर किसी, आपको या खान अब्दुल गफार खान हो, आज़ादी के आंदोलन में सावरकर और संघियों के अलावा किसी ने माफ़ी मांग के जेल से बाहर निकला हो ऐसा एक उदाहरण नहीं है। तो सवाल यह है कि वो खुद अंग्रेज के साथ मिलकर, वो पता नहीं जेल जाते थे तो वो आज़ादी के आंदोलन लड़ने जाते थे या बार बार कुछ समझ के साथ जाते थे, वो समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो ये है। दूसरा है कि कई आपत्तिजनक चीज़ें भी इसमें लिखी गई हैं, जैसे आपने गोडसे सावरकर के संबंधों पर भी इस किताब में लिखा हुआ है। उसमें जो किताब में जो लिखा है वो क्लियरली फ्रीडम एट मिडनाइट के पृष्ठ नंबर 423 पे क्लियरली जो ऑथर है उसने लिखा हुआ है कि इनके कैसे संबंध थे, हम उसको कोट किए। अब सावरकर और गोडसे के जो भी संबंध हो निजी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल हमको ये है कि जिनको ये वीर मानकर, वीर वीर की जो पूरे देश में वो चर्चा करना चाहते हैं, वो अगर वीर होते तो अपने साथी को कोर्ट में पहचानने से इनकार नहीं कर देते। अगर वो वीर होते हैं तो 11 बार माफ़ी नहीं मांगते। अगर वो वीर होते तो इस देश के विभाजन के लिए रिजोल्यूशन पास नहीं करते। अगर वो वीर होते तो अलग खालिस्तान की मांग के, सिख की जो उस समय पे चली थी मूवमेंट, उसको सपोर्ट नहीं करते। अगर वो वीर होते हैं तो नेपाल, इस पूरे भारत का, नेपाल के राजा को भारत का जो है सबसे बड़े लीडर के रूप में और उनको ही एक मुखिया बनाना चाहिए और उसके अंतर्गत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, ऐसी वो मांग नहीं करते। तो वो वीरता नहीं, कायरता। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी आपने अपने इस किताब में लिखा हुआ है, ये तथ्य कहाँ से आया? ये खुद सावरकर की बुक से निकल के आया है। आप खुद देखोगे कि सावरकर ने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक महिलाओं पर जो लिखा है उतना ही नहीं, उन्होंने तो गौ मांस और मांस क्यों खाना चाहिए उसके बारे में भी, प्रोटीन कहाँ से मिलता है वो भी लिखा हुआ है और उसका भी ब्यौरा उसमें दिया हुआ है। गांधी जी से जब वो मिले थे पहली बार तो उसी समय पर गांधी जी को झींगा खिलाने के लिए बुलाया कि आइए झींगा खाते हैं, गांधी जी ने ना बोला, तो उन्होंने बोला कि तो फिर प्रोटीन कहाँ से मिला, और फिर प्रोटीन को लेकर तो वो गाय तक पहुँच गए। तो उनने जिसको वो लोग रोल मॉडल माने हैं इतिहास का, वो मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ी गलती कर दिया आरएसएस और भाजपा, इसलिए फंस चुका है। तो आप क्या हम बता रहे हैं कि ये पूरा प्रशिक्षण शिविर जो है, उस प्रशिक्षण शिविर में आखिरकार सावरकर पर किताब बांटना कौन सा तुक है? ये तो प्रशिक्षण शिविर है, इसमें ज़रूरत है कि जो कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, उसमें ये किताब सावरकर कहाँ से मिली? हम जब भी सेवा दल के साथी मिलते हैं तो हम एक काम करते, बात करते हैं कि हम सत्य और अहिंसा के मुद्दों को उठाते हैं और सत्य जानना बहुत ज़रूरी है। आज देश में असत्य और एक भ्रमणा जिस तरीके से फैलाई गई है कि जैसे खुद उस समय पर राष्ट्र के आज़ादी के आंदोलन में गद्दारी करने वाले लोग आज राष्ट्रवाद का चेहरा लेबल खुद अपने सर पर लगा के घूम रहे हैं और सही में इस देश के लिए जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी उन्हीं के बारे में आज अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो सत्य हमारे कार्यकर्ताओं को कि सत्य क्या है, आइए सावरकर को भी जानिए, आइए आरएसएस को जानिए, आइए अलग अलग जो संगठन उसको जानिए, कांग्रेस की विचारधारा। और दूसरा ये कि हमने 9-11 बुक यहाँ पर, अब आप मीडिया वाले साथियों को ये 2 ही बुक में इंटरेस्ट पड़ा है और बाकी 9 बुक हैं उस जो हमारे कार्यकर्ता अपनी समझ के लिए वो भी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इनके बारे में पढ़ रहे नहीं, सत्य और असत्य को हम यहाँ पे अलग कर रहे हैं। आने वाले अगले कैंपों में भी जो होंगे सेवा दल के, उसमें भी किताब हर बांटेंगे? मैं किताब हमारा मटेरियल जो भी है इस देश के, जैसे कि संविधान के बारे में हम मटेरियल बांटते हैं, देश की इतिहास के बारे में बांटते हैं, देश के कुछ नेता जो सही या गलत क्या हुआ उसके बारे में बांटते हैं, हर प्रशिक्षण कैंप में करेंगे। पर इतना जरूर है कि यही सेवा दल सत्य और अहिंसा के
बलबूते पे खड़ा है, इसलिए हम कोई झूठ नहीं बांटेंगे। आरएसएस और भाजपा की तरह हम झूठ नहीं बांटेंगे, हम सत्य को बार बार बांटेंगे। बहुत बहुत बात निकली है। थे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, जिन्होंने आज तक से बात करते हुए साफ कहा है कि ये जो साहित्य है सावरकर पर, ये इन्होंने नहीं लिखा, बल्कि अलग अलग किताबों में जो सावरकर के बारे में लिखा हुआ है उसी से ये तमाम चीज़ें लेकर के इस किताब में संजोई गई है और फिर उसे यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में बांटा गया है। साफ कर दिया है कि अपने इस बयान पर, अपनी किताबों में लिखे तथ्यों पर वो कायम रहेंगे। और इसके साथ ये भी साफ कर दिया कि आने वाले और भी कई जितने भी कैंप्स होंगे सेवा दल के, उसमें भी ये साहित्य जो है कार्यकर्ताओं के बीच बांटा जरूर जाएगा।